Good morning, students. Once again, I am Vijay sir from Goregaon. In last lecture, we learn about how to change comparative degree into superlative degree and superlative degree into comparative degree. But today we are going to learn about how to change active voice construction into passive voice. How to change the present tense into passive voice. How to change past tense into passive voice. Shri Sandeep sir and Malati ma'am already taught you about present tense and past tense. But today we are going to learn about how to change future tense into passive voice. So today's our topic is change the voice of future tense. So here is the screen in front of you. Please focus on the screen. देखिए क्या है टाइप ऑफ वॉइस. सबसे पहले हम लोग वॉइस क्या है और उसके क्या प्रकार होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. तो कुल मिला के वॉइस के दो प्रकार पाए जाते हैं. उसमें से पहला प्रकार है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस. अभी एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है. दिखने में या फिर जब हम सोचते हैं, जब ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आता है तो हम डर जाते हैं कि भाई चेंज द वॉइस मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन है. तो एक्चुअली ये डिफिकल्ट नहीं है. जब आप छोटे छोटे हिस्सों में उसे डिवाइड करोगे और जब पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा और मजा आएगा सॉल्व करने में. तो जैसे एक्टिव वॉइस क्या है, तो एक्टिव वॉइस तो मैं कहूंगा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक्टिव वॉइस को, क्योंकि एक्टिव वॉइस मतलब कि टेंस के फॉर्मूले. जिस टेंस के फॉर्मूलों को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप लोगों को भी उसके बारे में पता ही होगा. तो एक्टिव वॉइस मतलब कि वह टेंस का फॉर्मूला, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस होता है वह ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में ही होता है. और पैसिव वॉइस मतलब क्या, तो उस सेंटेंस को चेंज करना होता है. जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस होगा, उसे आपको कहा जाता है चेंज द वॉइस कीजिए, मतलब उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है. कभी कभी पैसिव वॉइस का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपके सामने रहेगा तो उसको आप एक्टिव वॉइस में चेंज करते हो. तो यही है एक्टिव और पैसिव वॉइस. और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ फोकस सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है. सब्जेक्ट सभी को पता है, हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आता ही है. तो मतलब कि सब्जेक्ट को ही हीरो मान के उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करके एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन बनी होती है. और दूसरा प्रकार है पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट को हीरो ना मानते हुए ऑब्जेक्ट को फ्रंट में लाया जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है और उस हिसाब से सेंटेंस को बनाया जाता है. तो जिस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस बड़े बड़े वर्ड लग रहे हैं, आगे जैसे जैसे हम उनको पढ़ेंगे वो बहुत सिंपल आपको लगेगा. खाली ध्यान में इतना रखना है कि एक्टिव वॉइस मतलब फोकस ऑन सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस मतलब फोकस ऑन ऑब्जेक्ट. देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन में किस तरीके से चेंजेस होते हैं. जैसे एक्टिव वॉइस में अगर आई प्रोनाउन है तो पैसिव वॉइस में आई का मी बन जाता है. अगर एक्टिव वॉइस में वी यह प्रोनाउन है तो वी का पैसिव वॉइस में अस बन जाता है. एक्टिव वॉइस में यू है तो पैसिव वॉइस में यू एज इट इज कायम रहता है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है. देन एक्टिव वॉइस में ही रहेगा तो पैसिव वॉइस में उसका हिम बन जाएगा. शी यह प्रोनाउन अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में हर बन जाता है. इट एज इट इज रहता है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है. देन एक्टिव वॉइस में अगर दे है तो पैसिव वॉइस में दे का देम बन जाएगा. एक्टिव वॉइस में अगर कोई नाम आया है जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, तो वह एज इट इज जैसे का वैसा पैसिव वॉइस में उसका इस्तेमाल किया जाएगा. अगर कोई प्लूरल नाउन है जैसे राम एंड श्याम है तो राम एंड श्याम ही रहेगा, उसका देम या फिर कोई नाउन होगा तो उसका हिम नहीं बनेगा या फिर उसका हर नहीं बनेगा.
तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो प्रोनाउन होते हैं वो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसका एक टेबल आपके सामने रखा है, आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्रोनाउन में चेंजेस पैसिव वॉइस में किए जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, चेंज द वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सिंपल फ्यूचर और परफेक्ट फ्यूचर, ये जो दो टेंस है जिनके बारे में हमने एक लेक्चर में सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था, जिसके चार प्रकार होते हैं, एक होता है सिंपल फ्यूचर, दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्यूचर, तीसरा होता है परफेक्ट फ्यूचर एंड लास्ट वन इज कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर। लेकिन उसमें से दो ही ऐसे टेंस है, एक है सिंपल फ्यूचर और दूसरा है परफेक्ट फ्यूचर, जिनका चेंज द वॉइस बनता है, मतलब वहां पे एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन पैसिव वॉइस में चेंज होती है। कंटिन्यूअस फ्यूचर और कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर, ये जो दो कंस्ट्रक्शन है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज हम सिंपल फ्यूचर और परफेक्ट फ्यूचर का वॉइस कैसे बनता है, किस तरीके से चेंजेस उन सेंटेंस में पैसिव बनाते समय होते हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वॉइस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि सिंपल फ्यूचर टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनता है। देखिए, फॉर्मूला आप लोगों को पता है सभी को, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल शॉल इज हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्शन है एक्टिव वॉइस की, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का वही फॉर्मूला है और वही कंस्ट्रक्शन एक्टिव वॉइस है। देन वो पैसिव वॉइस में कैसे बदलता है, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला भी आपके सामने दिया गया है, क्या है, देखिए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की दोनों की जगह बदल गई है और सब्जेक्ट की जगह हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शॉल, ये दोनों एज इट इज आए हैं। देन वहां पर बी नहीं था एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में, मीन्स जो सेंटेंस है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस बनता है उसमें बी का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बी आता है। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पैसिव वॉइस का जो भी सेंटेंस बनता है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। तो जहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में बी और V3 ये दो चीजें एक्स्ट्रा आ रही है और उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि विल और शॉल के बाद जब बी आता है और V3 आता है, मतलब वह जो कंस्ट्रक्शन होती है पैसिव वॉइस की होती है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो देखिए, जो सेंटेंस होते हैं वह किस तरीके से बदलते हैं, वॉइस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है वी शॉल प्ले क्रिकेट, जैसे वी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, विल और शॉल हेल्पिंग वर्ब है, तो आई और वी के साथ हम लोग शॉल का इस्तेमाल करते हैं। वी शॉल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, इस तरह का इसका मीनिंग हो रहा है, हम क्रिकेट खेलेंगे। अभी वी हमारा सब्जेक्ट है और शॉल है हेल्पिंग वर्ब, प्ले इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस बनाने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, सबसे पहले इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग ये जो क्रिकेट वर्ड आया है इसमें, एक क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है, क्योंकि पैसिव वॉइस में मैंने पहले ही कहा कि फोकस किस चीज के ऊपर किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है। और एक्टिव वॉइस में फोकस किसके ऊपर होता है, तो ये जो वी वर्ड है जो एज अ सब्जेक्ट उस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया और क्रिकेट के बाद विल इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देन हमने इस्तेमाल किया है बी, क्रिकेट विल बी, और विल बी इस्तेमाल करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्ले का प्लेड हो गया। प्लेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों को
पैसिव की कंस्ट्रक्शन में बाय का इस्तेमाल करना है, जो हमने बाय यहाँ पर लगा दिया है। और सब्जेक्ट हमारा वी था, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन टू प्रोनाउन वी का बन जाएगा अस। तो इस तरीके से हमारी वी शॉल प्ले क्रिकेट, ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस की कंस्ट्रक्शन थी उसको पैसिव वाइज में हमने बदल दिया, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस, क्रिकेट खेला जाएगा किनके द्वारा, तो हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। वी शॉल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे और क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाएगा, दोनों की जो मीनिंग है बिल्कुल सेम है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि जैसे पैसिव वाइज या फिर चेंज द वाइज भाषा होती है, और भाषा की सुंदरता जो होती है वह ग्रामर से बढ़ाई जाती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अलंकार पढ़े होंगे, तो अलंकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर किसी चीज की सुंदरता बढ़ाने के लिए, जैसे कोई नारी होगी उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए श्रृंगार का साज का इस्तेमाल होता है, वैसे भाषा में ग्रामर जो है वह भाषा की सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही चेंज द वॉइस भाषा की सुंदरता बढ़ाने का ही कार्य करता है। तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस था उसमें हमने चेंज किया। दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा विल सिंग अ सॉन्ग इन स्कूल कॉम्पिटिशन। राधा हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस फॉर्मूला, सिंग है हमारा मेन वर्ब, अ सॉन्ग इन स्कूल कॉम्पिटिशन ये सब है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी यहां पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं, अ सॉन्ग ये एक ऑब्जेक्ट है और इन स्कूल कॉम्पिटिशन ये उसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा हुआ ऑब्जेक्ट है। तो आप मेन ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट से आपको शुरुआत करनी होती है। तो देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्शन बदल रही है, अ सॉन्ग जो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन ऑब्जेक्ट उससे हमने सेंटेंस की शुरुआत की, अ सॉन्ग उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और बी का इस्तेमाल, अ सॉन्ग विल बी, उसके बाद हमने इस्तेमाल किया है वी थ्री सिंग सैंग संग, तो अ सॉन्ग विल बी संग। अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है और उसके बाद जो बचा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री था इन स्कूल कॉम्पिटिशन इसका इस्तेमाल किया है। सो हमारा सेंटेंस बना अ सॉन्ग विल बी संग इन स्कूल कॉम्पिटिशन बाय राधा। देखिए राधा में ये जो नाउन आया है इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि राधा का शी या हर नहीं बनेगा, वो एज इट इज बाय के बाद इस्तेमाल उसका किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिनेश एंड सुरेश विल सेल वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अब यहाँ पर दिनेश एंड सुरेश हमारे सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, बेस फॉर्म है सेल, मतलब कि यह एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन है और हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मेन वर्ब है, मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स से सेंटेंस की शुरुआत होगी। वेजिटेबल्स विल बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, सो वेजिटेबल्स विल बी, सेल है हमारा वर्ब उसको थर्ड फॉर्म में रखेंगे, वेजिटेबल्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट बाय दिनेश एंड सुरेश। इस तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सुमित विल गिव मी मनी, सुमित मुझे पैसे देगा। तो सुमित है हमारा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी ये जो मी आया है, देखिए जैसे आई का हम मी बनाते हैं तो मी इस वर्ड का हम लोग पैसिव वॉइस में आई बनाते हैं, इतना भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मी का बन गया आई, सो आई के बाद इस्तेमाल होता है शॉल, आई शॉल बी, गिव का बन गया गिवन, वी थ्री आई शॉल बी गिवन मनी बाय सुमित। अभी यहां पर आप अगर मनी इस ऑब्जेक्ट से भी सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहते हो तो भी चलेगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा। देखिए मनी विल बी गिवन मी बाय सुमित, मनी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया, जैसे ऑब्जेक्ट लिखा विल बी का इस्तेमाल किया बिकॉज वी आर मेकिंग सेंटेंस पैसिव वाइज सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर। तो मनी विल बी के तुरंत बाद वी थ्री गिवन मी, अभी मी का मी ही रहा क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हम अगर उससे करते हैं तो आई में वो बदल हो जाएगा उसका
चेंज हो जाएगा, लेकिन एज इट इज रखते हैं तो वह उसी जगह पे मी इस फॉर्म में ही रहेगा, और बाय सुमित, सुमित का सुमित ही रहा, वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे देखिए, इंडिया विल प्ले टू टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। अभी टू टेस्ट मैच सीरीज जो है हमारा मेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टू टेस्ट मैच सीरीज, इससे हमने सेंटेंस की शुरुआत की, टू टेस्ट मैच सीरीज, हेल्पिंग वर्ब विल है, देन हमने इस्तेमाल किया बी का, टू टेस्ट मैच सीरीज विल बी V3 फ्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड बाय इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल ईट फूड एट 9 PM और रात को 9 बजे खाना खाएंगे। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, सो फूड विल बी, देखिए विल का क्या हो जाता है, विल बी, फूड विल बी इटन, क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस में वही चेंजेस हो रहे हैं, बी आ रहा है और V3 आ रहा है आफ्टर ऑब्जेक्ट, सो फूड विल बी इटन एट 9 PM बाय देम, दे का देम बन गया। I will teach English grammar. So English grammar is our object. English grammar will be taught by me. I का क्या बन गया? Me बन गया. My mother will cook food. मेरी माँ खाना बनाएगी. तो cook है हमारा verb और food है हमारा object. तो according to formula हम start करेंगे object से. Food will be. Cook का third form cook. Food will be cooked by my mother. तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, बीना विल स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, सो इंग्लिश एंड फ्रेंच विल बी स्पोकन बाय बीना। यहां पर आप लोगों को फोकस करना है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पता होना बहुत जरूरी है। इंडिया विल बीट इंग्लैंड इन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, इंडिया विल बीट इंग्लैंड इन नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, तो इंग्लैंड है हमारा मेन ऑब्जेक्ट, इंग्लैंड इस वर्ड से हमने सेंटेंस की शुरुआत की। इंग्लैंड विल बी बीटन इन नेक्स्ट सीरीज बाय इंडिया, मतलब कि देखिए सेंटेंस में कैसे बदल हो रहे, भारत आने वाली सीरीज में इंग्लैंड को हराएगा, और वही ऑब्जेक्ट को हमने फोकस किया है, तो इंग्लैंड विल बी बीटन इन नेक्स्ट सीरीज बाय इंडिया, इंग्लैंड हराया जाएगा किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा इंग्लैंड को हराया जाएगा, इस तरह का सेंस आ रहा है। माय फादर विल बाय अ कार इन नेक्स्ट मंथ, सो अ कार इज अवर मेन ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो भी आता है वो आपका मेन ऑब्जेक्ट होता है, सो अ कार विल बी बॉट इन नेक्स्ट मंथ बाय माय फादर। वी विल ओपन एन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एन अकाउंट यह है हमारा मेन ऑब्जेक्ट, एन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा ऑब्जेक्ट ही है बट उसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा है, सो एन अकाउंट विल बी ओपन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय अस, वी का बन गया अस। शी विल विन द मेडल इन रनिंग रेस, द मेडल यह है हमारा मेन ऑब्जेक्ट, द मेडल विल बी ओन इन रनिंग रेस, शी का बन गया हर। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, उसका कंस्ट्रक्शन उसका एक्टिव का पैसिव वाइज बनता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से वाइज बनता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली विल के बाद नॉट का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यह नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शॉल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी तरीके से पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन करते समय आपको विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, बाकी सब फॉर्मूला सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस बनाने का एज इट इज है सेम है। देखिए पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, ही विल नॉट ड्रिंक मिल्क, वो दूध नहीं पिएगा, तो विल के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब यह निगेटिव सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मिल्क, तो मिल्क से हमने शुरुआत की है, मिल्क अभी विल नॉट है इसलिए विल नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें पॉजिटिव नहीं बनाना है, यहां पर एज इट इज रखना है, खाली वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में जो बदल होते हैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब विल नॉट था तो विल नॉट आया, मिल्क विल नॉट के बाद इस्तेमाल होता है बी, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, सो मिल्क विल नॉट बी ड्रंक बाय
ही का बन गया हिम। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में चेंजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे विल नॉट हेल्प मी इन फ्यूचर। दे विल नॉट हेल्प मी, वो मुझे सहायता नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? इन फ्यूचर। इन फ्यूचर वो मुझे सहायता नहीं करेंगे। तो मी ये है हमारा मेन ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। सो आई से हमने सेंटेंस की शुरुआत की है। आई, अभी वहां पर शॉल का इस्तेमाल भी हो सकता है। ओके, आई विल नॉट बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म बन गया हेल्प। आई विल नॉट बी हेल्प इन फ्यूचर बाय देम। दे का बन गया देम। तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस बदलते हैं। देखिए, बिना विल नॉट स्पीक मराठी, मराठी हमारा ऑब्जेक्ट है। मराठी विल नॉट बी स्पोकन, स्पीक का बन गया स्पोकन। मराठी विल नॉट बी स्पोकन बाय बिना। शी विल नॉट विन गोल्ड मेडल, शी विल नॉट विन गोल्ड मेडल, वह गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगी। तो गोल्ड मेडल है हमारा ऑब्जेक्ट। गोल्ड मेडल विल नॉट बी, विन का थर्ड फॉर्म हो गया ओन। गोल्ड मेडल विल नॉट बी ओन बाय हर, शी था इसलिए उसका बाय के बाद हर बना है। आगे देखिए कुछ सेंटेंस और है। माय ब्रदर विल नॉट बाय अ कार, मेरा भाई, माय ब्रदर विल नॉट बाय, नहीं खरीदेगा। क्या नहीं खरीदेगा? अ कार, मेरा भाई कार नहीं खरीदेगा। तो अ कार जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अ कार को हम लोग फोकस करेंगे पैसिव वॉइस में। अ कार विल नॉट बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बनता है बॉट। अ कार विल नॉट बी बॉट बाय माय ब्रदर। माय ब्रदर ये जो नाउन है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, वह बाय के बाद एज इट इज आता है। माय ग्रैंड मदर विल नॉट टेल मी स्टोरीज टुनाइट। तो टेल मी, आप मी का आई बना के भी सेंटेंस को बदल सकते हो, या फिर स्टोरीज इस वर्ड को लेके भी सेंटेंस में बदल कर सकते हो। तो हमने देखिए स्टोरीज इस ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन की है। स्टोरीज विल नॉट बी टोल्ड मी टुनाइट बाय माय ग्रैंड मदर। थोड़ी सी पढ़ाई की जरूरत है। फॉर्मूले को अगर आप दिमाग में रखोगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जाओगे, तो सेंटेंस में किसी भी तरह की गलतियां नहीं होगी। देखिए, शी विल नॉट गिव स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये स्पीच हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑन रिपब्लिक डे ये भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमने स्पीच इस ऑब्जेक्ट से पैसिव की कंस्ट्रक्शन शुरू की है। तो सेंटेंस बना स्पीच, विल नॉट है इसीलिए विल नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव का सेंस हमें नहीं लाना है। स्पीच विल नॉट बी, सिंपल फ्यूचर की कंस्ट्रक्शन, इसलिए बी का इस्तेमाल बिफोर वर्ब होता है। स्पीच विल नॉट बी, गिव की थर्ड फॉर्म, गिवन ऑन रिपब्लिक डे बाय हर, इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। माय सिस्टर विल नॉट कुक फूड, मेरी बहन खाना नहीं बनाएगी। माय सिस्टर विल नॉट कुक फूड। तो फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, इसलिए फूड से सेंटेंस की शुरुआत होगी पैसिव वॉइस के। फूड विल नॉट बी, विल नॉट कहाँ से आया, बी कहाँ से आया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग चल रहे हैं। फूड विल नॉट बी, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड विल नॉट बी कुक बाय माई सिस्टर। तो इस तरीके से निगेटिव सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है पैसिव वॉइस में बदलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू चेंज सिंपल फ्यूचर्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। पहले हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, बाद में पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, और अभी सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी देखिए क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब मतलब शॉल विल, देन सब्जेक्ट, देन वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्शन हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का टेंस पढ़ते समय हमने देखी थी। तो वही एक्टिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन है। पैसिव वॉइस में कैसे बदलती है? सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है खाली। देखिए, शॉल विल से शुरुआत होती है, तो पैसिव वॉइस की भी शुरुआत शॉल विल मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। जहां सब्जेक्ट था वहां ऑब्जेक्ट आ गया। बी तो हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, और उसके बाद बी के तुरंत बाद वी थ्री, वो भी शुरुआत से आ रहा है। देन अदर वर्ड और फिर जो कुछ होगा, देन बाय एंड सब्जेक्ट। इस कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से बदला जाएगा। देखिए, विल ही प्ले क्रिकेट, ये है हमारा पहला इंट्रोगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस। विल ही प्ले क्रिकेट,
क्या वो क्रिकेट खेलेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे जो कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग देन बी देन वी थ्री एंड देन बाय और उसके बाद प्रोनाउन, तो वही कंस्ट्रक्शन सेम है, खाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शुरुआत में आ रहा है क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सवाल पूछा जाता है। तो देखिए विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेगा, तो विल का विल से ही सेंटेंस शुरू हुआ है पैसिव वॉइस में, विल देन आया है हमारा ऑब्जेक्ट विल क्रिकेट, बी प्ले का प्लेड और ही हमारा जो सब्जेक्ट है उसके पहले बाय का इस्तेमाल और ही का बन जाएगा हिम, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, क्या उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, इस तरह का सेंस आ रहा है। Will she sing song in school competition? क्या वो स्कूल कॉम्पिटिशन में गाना गाएगी? तो हेल्पिंग वर्ब की कंस्ट्रक्शन है, हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत होनी है पैसिव वॉइस में। देखिए तो बिल्कुल विल है तो विल से शुरुआत हुई है, विल यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स इन स्कूल कॉम्पिटिशन, तो मेन ऑब्जेक्ट है सॉन्ग्स इन स्कूल कॉम्पिटिशन है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, तो सॉन्ग से हमने शुरुआत की है विल सॉन्ग्स, बी वी थ्री संग इन स्कूल कॉम्पिटिशन बाय हर और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। आगे का सेंटेंस है विल माई फादर बाय अ कार इन नेक्स्ट मंथ, क्या मेरे पिताजी अगले महीने कार खरीदेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई थी इसलिए पैसिव कंस्ट्रक्शन भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी विल, देन हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ कार इन नेक्स्ट मंथ, तो अ कार से हमने शुरुआत की है, विल अ कार बी बॉट इन नेक्स्ट मंथ बाय माय फादर, क्या अगले महीने मेरे पिताजी के द्वारा कार खरीदी जाएगी, इस तरह का। देखिए आगे सेंटेंस है विल दे सेल वेजिटेबल्स, क्या वे वेजिटेबल्स बेचेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब विल वेजिटेबल्स हमारा ऑब्जेक्ट, विल वेजिटेबल्स बी सोल्ड बाय देम, Will vegetables be sold by them? Will India beat England in next test series? Will helping verb है और England है हमारा object, तो helping verb के बाद तुरंत object आया, Will England be beaten in next series by India? Will they guide us properly? Will they guide us? Us है हमारा ऑब्जेक्ट, तो अस का बन गया वी, जैसे मी का आई बनता है, हर का शी बनता है, हिम का ही बनता है, बिल्कुल वैसे ही अस का वी बना। विल वी बी गाइड का बन गया गाइडेड प्रॉपरली बाय देम, विल यू आस्क हिम क्वेश्चंस, विल यू आस्क हिम क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, विल के बाद तुरंत हम लोग ही से स्टार्ट करेंगे, विल ही बी आस्क क्वेश्चंस बाय यू, या फिर आप अगर क्वेश्चंस इस कॉम्प्लीमेंट्री को मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे लेना चाहते हो तो विल क्वेश्चंस बी आस्क हिम बाय यू, अगर क्वेश्चंस को आप मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हो तो हिम में कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर हिम मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हो तो हिम का ही बनेगा, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू चेंज परफेक्ट फ्यूचर टेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वह पैसिव वॉइस में कैसे बदलती है। सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस बनाते समय हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस कैसे बनता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसे हमने पढ़ा। अभी परफेक्ट फ्यूचर टेंस में भी हम सेम चीज को पढ़ेंगे, क्या है परफेक्ट फ्यूचर टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, देन नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस और चेंज द वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का परफेक्ट फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, टेंस का ही फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे शॉल और विल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, परफेक्ट है तो हैव का इस्तेमाल होता है, वी थ्री आता हैव के बाद और देन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये कंस्ट्रक्शन हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी फ्यूचर टेंस पढ़ते समय इसकी पढ़ाई की है, तो ये सब आसान है आपके लिए। अभी
हम लोग फोकस कर रहे हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब टेंस के फॉर्मूलों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वही है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला था पहले सब्जेक्ट से शुरुआत थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हम लोग, शॉल विल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर एज इट इज है। अभी हैव का इस्तेमाल होता है शॉल और विल के बाद परफेक्ट फ्यूचर टेंस में, यहाँ पर हैव के साथ बीन आ जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में बी आता था, यहाँ पर बीन आता है। वी थ्री ऑलरेडी है ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और बाय के बाद प्रोनाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, या फिर जैसे आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, जो चेंजेस है वो चेंजेस हम लोग चेंज द वाइज में कंटिन्यू करते रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखिए पहला सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर टेंस, हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए पहला सेंटेंस, रमेश विल हैव फिनिश हिज पेंटिंग, रमेश विल हैव फिनिश हिज पेंटिंग, रमेश अपनी पेंटिंग फिनिश कर चुका होगा, चुकी होगी, ये जो सेंस आता है वह परफेक्ट फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पर हमारा वर्ब है फिनिश जो ऑलरेडी वी थ्री की फॉर्म में है, और हिज पेंटिंग्स ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हिज पेंटिंग से शुरुआत हुई है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है पैसिव वॉइस की, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अ हीरो, पैसिव वॉइस में वही हीरो है। हिज पेंटिंग विल हैव बीन, देखिए विल हैव तो ऑलरेडी है ही, तो इसके साथ क्या जोड़ा गया, बीन जोड़ा गया। हिज पेंटिंग विल हैव बीन फिनिश ऑलरेडी वी थ्री फॉर्म में है, तो वी थ्री एज इट इज नीचे आएगा, और खाली रमेश के पहले यहाँ पर बाय का इस्तेमाल होगा। His painting will have been finished by Ramesh. Next sentence देखिए, Monica and Sanika will have sung songs. Monica और Sanika गाना गा चुके होंगे। तो song से हमारा object, तो song से हमने शुरुआत की passive voice की। Songs will have been संग और संग, वी थ्री दोनों जगह आता ही है, तो उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सॉन्ग्स विल हैव बीन संग बाय मोनिका एंड सानिका, मोनिका और सानिका एज अ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुए है, तो उसमें भी किसी भी तरह का चेंज हमें नहीं करना है। रामलाल विल हैव गिवन अप ऑल हिज वेल्थ, रामलाल विल हैव गिवन अप ऑल हिज वेल्थ, गिवन अप करना मतलब त्याग देना। तो रामलाल अपनी पूरी जो वेल्थ है, पूरी जो संपत्ति है, उसे त्याग चुके होंगे। तो ऑल हिज वेल्थ ये जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑल हिज वेल्थ विल हैव बीन गिवन अप बाय रामलाल, इस तरह का सेंटेंस हमारा चेंज होगा पैसिव वॉइस में। आगे कुछ और सेंटेंस दिए हैं, देखिए, ही विल हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन, वह मेरे सवालों का जवाब दे चुका होगा। देन यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट है माय क्वेश्चंस, तो माय क्वेश्चंस विल हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्याम विल हैव सोल्ड बाइक, श्याम जो है बाइक बेच चुका होगा। तो यहाँ पर बाइक है हमारा ऑब्जेक्ट, बाइक से हमने सेंटेंस की शुरुआत की, विल हैव ऑलरेडी है ही, विल हैव के साथ हमें जोड़ना है बीन, बाइक विल हैव बीन सोल्ड, वी थ्री फॉर्म में ही है, एज इट इज नीचे आएगा, बाइक विल हैव बीन सोल्ड बाय श्याम, बाय के बाद श्याम में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं है, बाय हिम नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में वही मिस्टेक करते हैं, नाउन को प्रोनाउन में बदल देते हैं और श्याम को जैसे ही मानते हैं तो उसका हिम कर देते हैं, वहां पर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, तो वहां थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अजय विल हैव सेव्ड मी, मी है हमारा ऑब्जेक्ट, मी का बन गया आई, आई के बाद शॉल, विल बदल गया शॉल में, आई शॉल हैव बीन सेव्ड बाय अजय, इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई शॉल हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर है हमारा ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस की शुरुआत होगी। English grammar will have been, आई के बाद शॉल आया था, अभी English grammar है, इसलिए will का इस्तेमाल हुआ है। English grammar will have been taught by me, इस तरह का सेंटेंस में चेंज होगा।
आगे और कुछ सेंटेंस है, इंडिया विल हैव ऑन द क्रिकेट मैच, यहाँ पर द क्रिकेट मैच जो है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्रिकेट मैच से हम हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। द क्रिकेट मैच विल हैव बीन, विल हैव के साथ बीन आता है, द क्रिकेट मैच विल हैव बीन ओन बाय इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स विल हैव मेमोराइज ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर, स्टूडेंट्स विल हैव मेमोराइज ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर, तो यहाँ पर ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर जो है हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे हमने सेंटेंस की शुरुआत की है पैसिव वॉइस के। ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर विल हैव के साथ आएगा बीन, ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर विल हैव बीन मेमोराइज बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुपरवाइजर विल हैव ग्रांटेड द लीव एप्लीकेशन, सुपरवाइजर विल हैव ग्रांटेड द लीव एप्लीकेशन, द लीव एप्लीकेशन इज एन ऑब्जेक्ट, सो वी विल स्टार्ट अवर सेंटेंस विथ द लीव एप्लीकेशन विल हैव बीन ग्रांटेड बाय सुपरवाइजर, बाय के बाद सुपरवाइजर में चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल हैव कंपोज ऑल सॉन्ग्स, दे विल हैव कंपोज ऑल सॉन्ग्स, ऑल सॉन्ग्स इज अवर ऑब्जेक्ट, सो वी विल स्टार्ट अवर सेंटेंस ऑल सॉन्ग्स विल हैव बीन कंपोज बाय देम, दे क्या बन गया देम, तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस जो परफेक्ट फ्यूचर टेंस के है वह पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये हमने अभी फॉर्मूले के साथ देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट फ्यूचर के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वह नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से पैसिव फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है, सब्जेक्ट है, विल शॉल है, देन हैव है, देन वी थ्री है, देन ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेगेटिव है इसीलिए विल और शॉल के बाद नॉट का इस्तेमाल हुआ। तो बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे पैसिव वॉइस में और विल शॉल के बाद वहां पर नॉट का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। देखिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शॉल देन नॉट देन हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में बदल रहा है ऑब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस नॉट देन हैव बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय देन सब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस है, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल मैच, चिल्ड्रेन विल नॉट हैव प्लेड द फुटबॉल मैच जो है हमारा यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो द फुटबॉल मैच से हमने सेंटेंस की शुरुआत की, द फुटबॉल मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय चिल्ड्रेन, विल नॉट हैव के साथ बीन आया है प्लेड बाय चिल्ड्रन। किंग विल नॉट हैव सेव्ड पीपल, यहाँ पर पीपल हमारा ऑब्जेक्ट है तो पीपल से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, पीपल विल नॉट हैव एज इट इज हैव के बाद परफेक्ट फ्यूचर टेंस का कंस्ट्रक्शन है इसीलिए बीन का इस्तेमाल, पीपल विल नॉट हैव बीन सेव्ड बाय किंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुमित विल नॉट हैव रीड दिस लेसन, दिस लेसन है हमारा ऑब्जेक्ट तो इससे शुरुआत हुई है, दिस लेसन विल नॉट हैव, ऊपर के सेंटेंस से हमने एज इट इज लिया, हैव के बाद बीन का इस्तेमाल हुआ है, देन वी थ्री रीड 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 तीनों फॉर्म सेम है और बाय के बाद जो नाउन आया है वो एज इट इज हमने कैसे बदलेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ सेंटेंस है, देखिए इंग्लैंड विल नॉट हैव ओन द मैच, ओन द मैच, ओन के बाद द मैच ए जो आया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, द मैच से सेंटेंस की शुरुआत होगी पैसिव वॉइस के सेंटेंस की, द मैच विल नॉट हैव के बाद बीन, ओन का ओन है वी थ्री फॉर्म में ही है ऑलरेडी बाय इंग्लैंड, दे विल नॉट हैव फाउंड द आंसर, दे विल नॉट हैव फाउंड द आंसर, द आंसर इज अवर ऑब्जेक्ट, द आंसर विल नॉट हैव, हैव के बाद बीन का इस्तेमाल हुआ है, द आंसर विल नॉट हैव बीन फाउंड बाय देम, वी शॉल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, दिस वर्क इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, वी का बाय के बाद बन गया अस, शी विल नॉट हैव लिसन द स्पीच, द स्पीच इज अवर ऑब्जेक्ट, सो वी विल स्टार्ट अवर पैसिव कंस्ट्रक्शन विथ द स्पीच, द स्पीच विल नॉट हैव बीन लिसन, शी का बाय के बाद बन गया हर, आई शॉल नॉट हैव ईटन एप्पल्स, एप्पल्स इज अवर ऑब्जेक्ट, एप्पल्स विल नॉट हैव बीन ईटन बाय, आई का बन गया मी, तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस जो है वह
पैसिव में बदलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे चेंज द वॉइस ऑफ परफेक्ट फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लास्ट है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं परफेक्ट फ्यूचर के, वो पैसिव में कैसे बदलते हैं। देखिए फॉर्मूला है विल शॉल, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ये सभी को पता है। विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री एंड देन ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला पैसिव वाइज में कैसे बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल शॉल एज इट इज आएगा, देन सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हैव के साथ बीन, वी थ्री देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको पैसिव वाइज के कंस्ट्रक्शन में बदल करने हैं। ओके देखिए सेंटेंस है विल रामलाल हैव फिनिश हिज वर्क, क्या रामलाल अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा या पूरा कर चुका होगा। तो विल था, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई थी, पैसिव कंस्ट्रक्शन भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। विल देन हमारा ऑब्जेक्ट है हिज वर्क, विल हिज वर्क हैव के साथ बीन, हैव बीन फिनिश बाय रामलाल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए विल शी हैव कुक फूड फॉर मी, क्या वो मेरे लिए खाना बना चुकी होगी। विल हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल एज इट इज नीचे, फूड हमारा है ऑब्जेक्ट तो फूड से स्टार्ट होगा। फूड हैव बीन कुक, विल फूड हैव बीन कुक फॉर मी बाय हर, शी का बन गया हर। विल संगीता हैव ओन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, द सिंगिंग कॉम्पिटिशन इज अवर ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब एज इट इज विल से स्टार्ट होगा सेंटेंस। विल द सिंगिंग कॉम्पिटिशन हैव बीन ओन बाय संगीता। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं परफेक्ट फ्यूचर टेंस के, इनकी पैसिव कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है हमने देखा। और कुछ सेंटेंस है विल इंडिया हैव ओन द 2020 सीरीज, क्या भारत 2020 सीरीज जीत चुका होगा। तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, ऑब्जेक्ट है हमारा द 2020 सीरीज। विल द 2020 सीरीज हैव बीन ओन बाय इंडिया, क्या 2020 सीरीज भारत के द्वारा जीती जा चुकी होगी। इस तरीके का सेंस आ रहा है। शॉल वी हैव वॉच्ड द मूवी, क्या हम मूवी देख चुके होंगे। तो शॉल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वाइज बन रहा है, इसलिए शॉल एज इट इज नीचे आएगा। द मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर शॉल के बाद हमने द मूवी का इस्तेमाल हुआ। द शॉल द मूवी हैव बीन वॉच्ड बाय अस, वी था इसलिए बाय के बाद अस का इस्तेमाल हुआ है। शॉल आई हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इज अवर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शॉल एज इट इज नीचे आएगा। शॉल इंग्लिश ग्रामर हैव बीन टॉट बाय मी, आई का क्या बन गया, मी बन गया। विल राम एंड श्याम हैव रिटन स्टोरी बुक्स, यहां पर स्टोरी बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है। विल स्टोरी बुक्स हैव बीन रिटन बाय राम एंड श्याम, बाय के बाद राम और श्याम में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है। विल शी हैव ड्रंक मिल्क, विल शी हैव ड्रंक मिल्क, मिल्क इज अवर ऑब्जेक्ट, विल एज इट इज नीचे। विल मिल्क हैव बीन, सॉरी यहां पर ड्रंक चाहिए था, ड्रिंकिंग हुआ है। विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय हर, ओके इसमें थोड़ा बदलाव जरूरी है। विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय हर, इस तरह का सेंटेंस वो बनेगा। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा हाउ टू चेंज प्रेजेंट टेंस, सॉरी ये जो है फ्यूचर टेंस, जिसमें हमने पढ़ा सिंपल फ्यूचर और परफेक्ट फ्यूचर का चेंज द वॉइस किस तरीके से बनता है, इसके बारे में आज हमने जानकारी पाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो जो लेक्चर हुआ चेंज द वॉइस का, वो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। यस बेटा, हेलो हेलो सर, बेटा बोलिए। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। आपने फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बताया। हाँ बेटा, फ्यूचर कंटीन्यूअस जो है ना, उसका चेंज द वाइज नहीं बनता है। ओके फ्यूचर टेंस में खाली सिंपल। हाँ यस सर, परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी नहीं बनता है ना। नहीं नहीं, परफेक्ट कंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर और ये जो कंटीन्यूअस फ्यूचर है, इसका वॉइस नहीं बनता है।
मतलब कुल मिला के जो हम 12 टेंस पढ़े हैं उसमें 8 ही ऐसे टेंस के फॉर्मूले हैं जिनका पैसिव वाइज कंस्ट्रक्शन बनता है। ओके यस सर, थैंक यू। हाँ बेटा, so in this way today we learn about how to change future tense into passive construction. I hope you understood it very clearly. Thank you so much.